तेज मारूंगी ना, ये देखिए ये नारियल तेल और मजबूत होता है, तो थोड़ा देखते हैं हम भी लगा के। वैसे तो हम ज्यादा तेल लगा, अरे पापा को घिसी रहा तो पापा को। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलम आलोक ब्लॉग्स से। अवनी बेटा बोल दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे हो? अच्छे हो, अच्छे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तेरे में है अभी, तुमको बोल के बुलवाना पड़ता है और खुद मोबाइल चालू करके खुद ही बोलती है। तो फ्रेंड्स, तीन चार दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, आप लोग को पता ही होगा मेरे चैनल पे, तो टाइम ही नहीं मिल पाता फ्रेंड्स, क्योंकि इतना सारा काम है और अभी त्यौहार आने वाला है, तो थोड़ा तोरण वोरण बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो इसीलिए। और एक दो दिन तो तबीयत भी नहीं ठीक थी, हाथ पता नहीं क्यों इतना दुख रहा था, ये वाला हाथ ना, कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। अभी हट जाओ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और आज जा रहे हैं कहीं पर हम लोग सामान लेने के लिए, घर का राशन पता ही सब यही सब होता है, जो भी आप लोग जानते हैं। और महीना आते आते आपको लोग को पता है कि पूरा पैसा खत्म हो जाता है, एक रुपया नहीं बचता है, तो घर में सामान कैसे आएगा। तो अभी घर का पूरा सामान खत्म हो चुका है, तेल नमक थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है महीना आते आते खत्म हो जाता है सभी लोग का। कभी कभी तो ऐसा होता है घर में नमक नहीं होता है, तो इनका देखिए थोड़ा उठिए तो, और जा रहे हैं इनको लेके, और फिर ड्यूटी भी इनको जाना है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और अपना सामान लेकर आते हैं। और मेरा ये वाला कान बहुत ज़्यादा खुश भी दे रहा है। अवनी जाना मत, चलो जल्दी से उठा उठा उठा। अवनी पापा को घिसी रहा तो पापा को पकड़ के घिस रहा। चलिए जल्दी, नहीं तो लेट होगा, फिर आप बोलोगे कि लेट कर दिए। और मेरा बाल पूरा भीगा हुआ है, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है घर में। तो फाइनली फ्रेंड्स हम चले आए हैं अपना सब सामान लेकर, और बहुत ही ज्यादा धूप थी तो इसीलिए, और चेहरा देखिए एकदम काला काला सा, पहले से भी मेरा चेहरा थोड़ा ज्यादा काला हो गया है, पता नहीं कैसे धूप उप लग गया है, क्या हो गया कुछ समझ ही नहीं हो रहा आ रहा है। तो वैसे मैं दवाई वाई कुछ यूज नहीं करती हूँ और ना ही मैं करूंगी, कोई बताएगा तो जाने दीजिए, काला है तो कभी तो गोरा होगा। और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सब सामान है तो ये सामान हम लोग लेकर आए हैं नाकेपट से, और नाकेपट से इसलिए लेकर आते हैं कि इधर ज्यादा महंगा पड़ता है, और जो इधर छोटी छोटी दुकानें हैं उधर से ज्यादा महंगा पड़ जाता है, इधर से ज्यादा महंगा पड़ जाता है, सब सामान पे एक दो रुपये ज्यादा ही रहता है, तो इसीलिए। और सब लोग मेरे दरवाजे पे बैठ के देख रहे हैं कि दीदी क्या कर रही है, क्योंकि पर्दा हटा है, सब लोग भागो। चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं कि क्या क्या लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं से निकालूं सब, आप निकालो ना इसको। ये देखिए तेल, क्या देख रहे हो, देखे नहीं हो? राई तेल, ये मेहंदी, ये लगाने वाली निशा वाली, ये कौन सा दीदी है? ये निशा वाली मेहंदी है, पता नहीं अच्छी है कि शायद अच्छी होगी। और ये मसाला, ये शैम्पू, ये देखिए ये है आटा 10 केजी का। अभी पहले गेहूं ली थी लेकिन बहुत ज्यादा कंटाल आया, इसीलिए गेहूं नहीं ले रही हूँ। ये देखिए बर्तन धोने के लिए और कपड़ा धोने के लिए साबुन है। और ये बड़ी वाली हल्दी जो हमेशा खत्म हो जाती है। और ये देखिए ये साबुन नहाने वाला है। और ये नमक, अब नमक बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया, टाटा वाला आप लोग देखिएगा 28-30 रुपया हो गया है किलो, पहले 10-11 रुपया था। ये निरमा, ये एकदम खत्म हो चुका था, आप लोग नहीं मानोगे, ये पूरा खत्म हो चुका था। ये फेरो लवली मेरे को अच्छी नहीं लग रही, लेकिन सब लोग बोले नया क्वालिटी में यही निकल रहा है। इससे जो पहले ली थी वो बड़ा था, वो खत्म हो गया लगभग, अरे बहुत ज्यादा दिन हो गया था,
घर पे सामान भेजी थी तभी कर ली थी, तब से अब ले रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादा लगाती नहीं हूँ। और चीनी इधर, दाल, सब सामान महंगा हो गया है। और लास्ट है, आप लोग बताओगे क्या है? इतना तेज मारूंगी ना, ये देखिए ये नारियल तेल। और मेरे बाल क्या होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, इसलिए मैंने नारियल तेल लिया है और शायद इससे ना टूटे, बोलते हैं लोग इससे बाल मजबूत होता है, तो थोड़ा देखते हैं हम भी लगा के। वैसे तो हम ज्यादा तेल लगाते नहीं है लेकिन देखेंगे लगाते तो। और सबसे ज्यादा बड़ा ये देखिए ये चावल, और इसको हम खोल दिए हैं, ये पूरा पैकिंग था इसलिए कि अवनी के पापा इसको देख, मैंने इनसे बोला कि आप पहले जो चावल लाए थे यही वाला था, तो ये मुझसे मतलब ऐसा कर रहे थे कि नहीं ये नहीं है, चैलेंज कर रहे थे कि नहीं ये नहीं है नहीं है, लेकिन वही चावल निकला खोल के भी देखी तो। और चावल बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया है फ्रेंड्स, लगभग 1150 चावल हो गया है, और इधर लेंगे तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, अभी तो उतना दूर से लाए तो उतना मतलब पड़ा है। तो बस फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में यही था आप लोगों के साथ, और 2-3 दिन के बाद ब्लॉग आया है तो वो भी ऐसा ब्लॉग आया है, तो देख लीजिए कितना सारा सामान है सब इधर पीछे, ये सब सामान है और सब मिला के 3000 तक ही बैठा है। क्या बताएं, अभी कुछ कुछ ऐसा सामान है जो छूट गया है। चलिए फ्रेंड्स प्यार दीजिएगा आप लोग ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे जो ना है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और आप अपना ख्याल रखिए।